अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से हम डेंगू फीवर को क्योर कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो डेंगू फीवर से अपने आप को बचा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि डेंगू फीवर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले जो उसका साइन एंड सिम्टम ये है कि जब भी आपको मच्छर काटता है डेंगू का, तो उसके आपको 2 या 3 आवर्स के अंदर अंदर ही आपको एक तो फीवर हो जाता है, फीवर के साथ आपको चिल्स आना शुरू हो जाते हैं जिसको बोलते हैं ठंडे पसीने आने लग जाते हैं। इसके बाद जो है वो आपकी मसल्स में और आपके जॉइंट्स में यानी कि आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो पेन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो एक बहुत कॉमन सिम्टम है वो ये है कि आपकी आईज के अंदर और आईज की बैक साइड पर या तो दर्द होना शुरू हो जाती है या तो बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। और एक और बहुत कॉमन सिम्टम ये है कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो रैशेज हो जाते हैं, जैसे धब्बड़ होते हैं वो बन जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ साइंस हैं और सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि थोड़े से जो मतलब रेयर सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, आपको नोज़िया स्टार्ट हो जाता है और जो है वो आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हर किसी को नहीं होते, लेकिन जो पहले मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो हर किसी को जो है वो होते हैं डेंगू फीवर वाले इंसान को। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने आप को डेंगू फीवर से किस तरह से बचा सकते हैं। डेंगू फीवर जो है वो कंटेजियस नहीं है, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे को सांस के थ्रू या जो है वो लिक्विड्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सिर्फ मॉस्किटो से ही ट्रांसफर होता है। जब डेंगू फीवर का जो पेशेंट होता है, मॉस्किटो उसके अंदर से खून चूसता है और फिर वो आपको काटता है, तो उसका जो फीवर है या उसका जो समझ लें कि वायरस है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाता है। सो आपने सबसे पहले जो है वो अपने घर में नेट लगवानी है, ठीक है, ताकि जो है वो आपके घर में मच्छर आए ही ना। सेकेंड चीज़ ये है कि जो भी डेंगू फीवर का पेशेंट है उसको आपने आइसोलेट कर देना है। अब कोरोना की तरह आपने आइसोलेट नहीं करना, लेकिन कोविड में ये था कि बिल्कुल बंद कमरे में ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे करना है कि उसके जो है वो इट गिड नेट लगवा दें, जैसे वो बेड के ऊपर हैं तो बेड के ऊपर नेट लगवा दें ताकि मच्छर उन तक पहुंचे ही ना। अगर मच्छर उन तक पहुंचेंगे नहीं, वो उनको काटेंगे नहीं, तो वो बाहर आके हमें नहीं काटेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें डेंगू फीवर नहीं होगा। थर्ड चीज़ ये है कि आपने जो है वो शाम के वक्त या सुबह के वक्त बाहर जैसे पौधे हैं या जो पार्क्स में जो लोग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आपने हाफ स्लीव्स टी शर्ट या फिर आपने जो है वो शॉर्ट्स पहन के नहीं जाना, क्योंकि दिस इज़ द मेजर टाइम जबकि डेंगू फीवर का जो मच्छर होता है वो जो है वो बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने और भी बहुत सारी एहतियात होती हैं, इसमें ये है कि आपने जो है वो घरों में पानी नहीं खड़ा होने देना, गमलों में पानी जो है वो नहीं खड़ा होने देना, इससे जो है वो उसके लार्वा जो हैं वो मच्छरों में जो है वो तब्दील हो जाते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेंगू मच्छर देखने को मिलते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट एंड द लीस्ट है उसमें ये है कि डेंगू फीवर जो है उसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से करें। अब जो डेंगू फीवर है ना उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा लेने हैं, ORS, पानी, जूसेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेनी है, बिकॉज ये एक तो लाइट होती है, इसके अलावा जो आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग हुई होती है ना उससे जो आपकी ब्लड का पानी लूज हुआ होता है वो रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ ये है कि आपने जो है वो विटामिंस एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा लेने हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा लेने हैं। अब सारे कहेंगे मरियम हमें एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेंजेस या लेमन्स, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है। इसके बाद अमरूद हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ बेरीज, जिसमें आता है ब्लूबेरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, रेसबेरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, तो क्या यहाँ पे अवेलेबल होता है? स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, यहाँ पे जामुन अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, चेरीज अवेलेबल होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपने जो फूड है जो कि डेंगू पेशेंट का फूड होता है वो बहुत ही लाइट रखना है और बहुत ही समझ लें कि बहुत ही हल्का फुल्का रखना है और मिर्चें नहीं डालनी उस फूड के अंदर। क्यों? क्योंकि जब आप मिर्चें लेते हैं ना तो वो आपके जो रैशेज हुए होते हैं उसको जाके इरिटेट करती हैं और आपको ज़्यादा ख़ारिश होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये इन कुछ चीज़ें हैं, इनसे अवॉइड करें सो यू विल बी बेटर सून, और अपने टेस्ट करवाएं और डॉक्टर्स की जो मेडिकेशन है वो बिल्कुल टाइम पे लें सो इट इज़ नॉट कंटेजियस एट ऑल। और ये बिल्कुल भी जो है अगर आप प्रॉपर तरीके से एहतियात करें सो जो है वो आप बिल्कुल जो है वो 100% रिकवर हो सकते हैं और ये बिल्कुल भी लीथल नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम डेंगू फीवर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डेथ इस वजह से होती है कि डेंगू से उनकी इतनी डेथ नहीं होती जिनकी उनकी जितनी उनकी जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो जाती है। सो डिहाइड्रेशन जो है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स में। सो स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे अवेयर। और अब मैं चलती हूँ, सो मैं अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को करें
लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना लाजमी याद रखें ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।